हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि 6 मार्च की सुबह आपका भाग्य बदलने वाला है, जिनके कारण आपको आपके जीवन में अनेक बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगे। आपको आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अनेक प्रकार के दुख तकलीफों से आपको राहत मिल सकेंगे। पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियां दूर हो सकेंगे। 6 मार्च के दिन आपके जीवन में अनेक प्रकार की बड़ी बदलाव होने के कारण आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से परिवार के लोगों का सहयोग मिल सकेंगे। परिवार में चल रहे पारिवारिक कलेश दूर हो सकेंगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मार्च का महीना जब से प्रारंभ हुआ है, आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के बड़े परिवर्तन देख चुके होंगे। ऐसे में ठीक उसी प्रकार 6 मार्च के दिन ये बड़े परिवर्तन होने के कारण आपको आपके दुख तकलीफों से छुटकारा मिलेंगे। राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी सफलता मिलने की संभावना है। आपके सोचे हुए काम अच्छे ढंग से पूरे होंगे और शनिदेव की कृपा से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होंगे। घर परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके वाद विवाद दूर होंगे। आप अपने काम के सिलसिले में जो भी मेहनत करोगे, आपके कार्य के सिलसिले में की गई मेहनत रंग लाने वाली है। आपको अचानक से धन लाभ का मिलेंगे। नौ खान पान में आपके अधिक रुचि बढ़ेंगे और कोई नया कार्य आपको मिल सकता है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। आपको सोच समझकर अपने विवेक से कार्य करने की जरूरत रहेंगे। आपको अपने पुराने निवेश का अच्छा लाभ मिलेंगे। धन का संचय कर पाने में आप काफी सफल रहेंगे। आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होंगे और कोई नया काम हाथ में लेने से पहले आप सोच विचार कर सकोगे। जीवन साथी के साथ यह समय आपका बहुत ही अच्छा तरीके से गुजर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत अधिक प्रशंसा हो सकेंगे। आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकोगे। सरकारी कार्यवाही से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए संसार में नए सफलता को प्राप्त करोगे। व्यापार के सिलसिले में आपके द्वारा की गई यात्राएं काफी अनुकूल रहने वाली हैं। आपके घर में कोई धार्मिक पूजा का कार्यक्रम हो सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का परिणाम मिलेंगे। आपने किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मन बना सकोगे। भविष्य की योजनाओं पर सोच विचार कर सकेंगे। कार्यस्थल में पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाली पूर्वक रहने वाला है। मित्रों, 6 मार्च की सुबह आपको वाहन सुख की प्राप्ति होने की संभावना है। निजी जीवन में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपको अपने संतान सुख की तरफ से बेहद परिणाम और काफी अच्छे खुशखबरी की प्राप्ति होंगे और आपको संतान से सहयोग भी मिल सकते हैं। मीडिया फील्ड से जातकों के लिए नवीन अवसर की प्राप्ति होंगे। अच्छे विचार प्रतिभाओं को उजागर करने में काफी सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा किए गए परिणामों का फल मिलेंगे। आपके बॉस आपके कामों से इंप्रेस होंगे और किसी पुराने काम का नतीजा आपके फेवर में रह सकते हैं। 6 मार्च के दिन भूमि भवन से संबंधित खरीदारी कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेंगे। लेन देन के मामलों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। माता पिता के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं और किसी दबाव की वजह से आप अपने फैसले बदल सकते हैं। कारोबार में आपको लाभ हो सकेंगे, लेकिन आप सही निर्णय की वजह से परेशानियों से बच सकोगे। प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में आपको कोई नया ऑफर मिल सकते हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता आ सकेंगे और आपके सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 6 मार्च के दिन आपका किस्मत आप पर पूरी तरह से मेहमान रहेंगे। जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, वे आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। पैसों के काम से छोटी यात्राओं पर आपको करनी पड़ सकती हैं। 6 मार्च के दिन आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होंगे। आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर रहेंगे। अचानक से घर पर मेहमानों का आगमन होंगे, जिससे आपके घर परिवार की खुशियां दुगनी हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी और विष्णु जी की कृपा से आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की किस्मत का फैसला मिल सकेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सकोगे। इसके साथ साथ संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होंगे।
आकस्मिक धन लाभ मिलने से आपके आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सकेंगे। धन लाभ के लिए व्यापारिक गतिविधियां मुनाफा दे सकेंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकेंगे। नए निवेश के लिए समय आपके पक्ष में है। निजी मामलों में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आ सकेंगे। परिवार का साथ और प्यार आपको प्रसन्न करेंगे। शादीशुदा जिंदगी भी आपके अच्छी खासी रहेंगे। आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे। अपनी वर्तमान जॉब को चेंज करने का प्लान बना सकते हैं। कार्यस्थल में आपके मन मुताबिक बदलाव आ सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन की इच्छा रखने वाले जातकों को बेहतर मौके मिलेंगे, परंतु उनके लिए आपको घर से दूर जाना भी पड़ सकता है। साझेदारी में बिजनेस के लिए आपको अच्छे लाभ मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वाले भाग्य में काफी परिवर्तन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सकेंगे। हनुमान जी की कृपा से विशेष फल की प्राप्ति कर सकोगे। आप किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्राएं काफी सफल रहेंगी। आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपको आर्थिक स्थितियों में सुधार आने के योग बन रहे हैं। आपके मेहनत रंग ला सकेंगे। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। कामकाज के सिलसिले में बनाई गई योजनाएं पूरी होंगी। कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोग आपकी पूरी तरह से सहायता कर सकेंगे और आने वाले दिनों में आप काफी अच्छे तरीके से अपने आप को व्यक्त करने वाले हैं। अचानक आपको खुशखबरी मिल सकेंगे और किसी पुरानी बीमारियों से आपको निजात भी मिल सकेंगे। आपका स्वास्थ्य काफी मजबूत रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होंगी। सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान की प्राप्ति होंगी। आप निजी जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकोगे। आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। 6 मार्च के दिन होने वाले बदलाव के कारण आपको आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां मिलेंगी और लाभ भी मिलेंगे। आप अपने जिंदगी को सफल और कामयाब बना सकोगे। आपके घर में खुशहाली आ सकेंगे। आर्थिक रूप से आप तरक्की हासिल करोगे और आपके लिए गणपति जी, माता लक्ष्मी जी, विष्णु जी, बजरंग बली इन सबों की पूजा करने, उपासना करने के बाद आप अपने जीवन में काफ़ी सफलता पा सकोगे। आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उन सबों से आपको छुटकारा मिल सकेंगे। शनिदेव आपकी परेशानियों को दूर कर सकेंगे और आपके आमदनी में चल रहे आपके छोटे मोटे कारोबारियों को काफ़ी बड़े लाभ हो सकेंगे। आने वाले समय में आप बहुत सारी खुशियों को प्राप्त करोगे। शनिदेव की कृपा से आपको अचानक कोई बड़ा उपहार मिल सकता है और आने वाले दिनों में आप दिन रात अपने व्यापार में प्रगति करते हुए दोगुना लाभ की प्राप्ति करोगे तथा मिथुन राशि वाले लोगों का 6 मार्च के दिन प्रेम विवाह होने की संभावना है। बच्चों की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज सेवा करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। आपके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक रहेंगे। आपके जीवन किसी भी प्रकार की परेशानियों का खात्मा हो सकेगा। आपके घर में होने वाली शुभ घटनाओं से आपका घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम जीवन में आप अपने साथी को समय देना उचित मान सकोगे, अन्यथा आपके रिश्ते में किसी प्रकार के खटास या मतभेद उत्पन्न हो सकती हैं। आपको वाहन आदि में सुख की प्राप्ति होंगे। परिवार में चल रहे कलेश खत्म होंगे। सगे संबंधियों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वातावरण रहेगा। आपका अपने पुराने मित्रों का मिलन हो सकते हैं। आपको सुबह सुबह कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके भाग्य में बदलाव होने के कारण आपका भाग्योदय हो रहा है। घर परिवार के आर्थिक स्थितियों में सुधार करने से आपके अहम भूमिका रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होंगे और किसी मित्र में उधार दिए हुए पैसे को वापस पा सकोगे। आप दूसरों के लिए मददगार साबित होंगे और आपको अपने सम्मान की प्राप्ति होंगे। भूल बिसरे साथियों से मुलाकात होंगे। आपको आपके व्यापार को नई दिशा में ले जाने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन के लिए आने वाला समय काफी अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलने की संभावना है। आपको थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा सफलता मिल सकेंगी। शनिदेव की कृपा से आपको ज्यादा लाभ मिल सकेंगे।
दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। यदि आप घरेलू स्तर पर शांति रखना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य पर फोकस करने की जरूरत रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य में पदोन्नति के कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बढ़ोतरी वाले जॉब मिल सकेंगे। आप अपने जॉब को बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव रहोगे। आपको लाभ के रूप में आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ बनाने का मौका मिलेगा। महापरिवर्तन होने के कारण आपको आपके जीवन में अनेक बड़े बदलाव मिलेंगे। आपके ऊपर संतोषी माता की कृपा भी रहने वाली है। अगर कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें आप माता संतोषी का नाम लेकर कार्य करें। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी जातक रोक नहीं सकता। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय।